अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक। और आज के इस सेशन में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। यस, यू नो दिस वीकेंड हम वीडियो नहीं बना पाए, आई वॉज बिजी इन सम वर्क। सो टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते, यानी कि आज 1 जून है, एक नया महीना शुरू हुआ है। तो इस महीने में ओवरऑल निफ्टी में हमारा क्या व्यू है, प्लस आने वाले वीक के लिए अगर हम देखें और इस वीक के लिए देखें, तो पर्टिकुलरली फ्रॉम 1 जून टू 5 जून हमें कैसी अपनी पोजिशनिंग रखनी है। अगर आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये वो बाज़ार था जब बाज़ार गैप डाउन गिर रहा था। नाउ यू सी मार्केट इज़ मूविंग अप लाइक गैप अप गैप अप गैप अप। ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, जो पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा, पिछले भी वीडियोस में हमने ये सारी बातें डिस्कस की हुई हैं। अगर नहीं देखी हो तो ये वीडियो फर्स्ट सेशन का ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ें थोरो एनालिसिस करते हैं। और आपको फिर से मैं बता दूं कि हम हफ्ते में 2 वीडियोस आपके लिए बनाएंगे, जिसमें हम पूरे हफ्ते की टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस और प्लस आपको वीकली लेवल्स देंगे। तो ये हमारा आउटपुट रहेगा आपके लिए, और ये वीडियोस आप देखते रहिए, क्योंकि ये पूरे हफ्ते आपको मदद करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये वो बाज़ार है जब बाज़ार गैप अप्स के साथ ऊपर जा रहा है। तो पहले हम उनका स्वागत करेंगे जो नए व्यूअर्स हैं, उनको बता दें कि yourtradingguide.com का यूट्यूब चैनल है, और इसमें आपको 2 वीडियोस वीकली मिलेंगी। आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन भी प्रेस करें, क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट मीनवाइल अगर वीक में होती है तो हम कम्युनिटी में या हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उनको आज भी बैंक निफ्टी के लाइव मार्केट में लेवल्स मिले, और वहां से बैंक निफ्टी ऊपर खुल के भी 300 पॉइंट गई है। तो गाइस, फ्री चैनल ज्वाइन करना न भूलें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत समय पर और एक्यूरेट टाइम पे आपको चैनल पे मिल जाती हैं। यूट्यूब में तो थोड़ा टाइम लगता है अपडेट करने पर चैनल में इंस्टेंटली मिल जाती है। तो आप में से जो भी लोग हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। एक ही कोर्स है हमारा ऑनलाइन इंडेक्स मास्टर क्लास, रिकॉर्डिंग्स और 1 महीने के लाइव ट्रेडिंग सेशन मिलते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया उनके आप फीडबैक्स स्टूडेंट रिव्यूज़ में जाके पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फुल पैसा वसूल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें आप पढ़ते भी हैं, आप ट्रेड भी करते हैं और आप सीखते जाते हैं। ऐसा नहीं कि 2 दिन में ही आपको ट्रेनिंग दे के छोड़ दिया जाता है, 1 महीने तक पूरा आपको हर दिन बाज़ार में सिखाया जाता है लाइव मार्केट में। सो दिस इज़ हाउ यू बिकम अ ट्रेडर। और आप में से जो भी लोग हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमें इस नंबर पर कॉल करके हमें हमारी पेड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम नंबर है, वेबसाइट पे भी दिया है, यूट्यूब चैनल पे भी दिया और इस इमेज में भी दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो आज भी हमने देखा, अगर निफ्टी को आप देखिए 245 पॉइंट्स ऊपर बंद हुई है फ्राइडे की क्लोजिंग से, और ये जो हमने हाई बनाया था पिछली बार का 9889 का, आज का हाई 9939 का है। इसका मतलब है कि एक जो 9900 का साइकोलॉजिकल लेवल था निफ्टी में, उसको भी पियर्स किया, हमें स्विंग हाई के ऊपर गए और वहाँ से ये करेक्शन बाज़ार में देखने को मिली, जो 9931 से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स निफ्टी नीचे आई है और प्रॉफिट बुकिंग आई निफ्टी में, और उसके बाद निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग के साथ में क्लोज हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये 9900 के ऊपर निफ्टी गई थी, इसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर चला और फिर यहाँ बंद हो गई। कॉन्ट्ररी अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, तो बैंक निफ्टी आज 20,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था उसके ऊपर गई, 20,200 अप्रॉक्सीमेटली, और वहाँ से फिर इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई और 19,900, यानी ऑलमोस्ट हम 20,000 से बहुत करेक्शन नहीं है, यानी कि 200 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के करेक्शन के साथ बैंक निफ्टी बंद हुई है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बहुत बड़ी बात है आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो शायद ही कोई आपको बताए,
कि अगर आप निफ्टी स्पॉट देखिए और निफ्टी फ्यूचर देखिए, तो स्पॉट में निफ्टी ट्रेड कर रही है 9826 पे और फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 9776 पे, यानी ऑलमोस्ट अगर हम स्पॉट और फ्यूचर में से देखें तो हमारे पास 50 पॉइंट का डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब नीचे चल रहा है, डिस्काउंट का मतलब कि फ्यूचर स्पॉट से नीचे चल रहा है, यानी फ्यूचर आप स्पॉट आपका ट्रेड कर रहा है 9826 पे, फ्यूचर आपका ट्रेड कर रहा है 9776 पे। इसका मतलब ये होता है कि जो निफ्टी है फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर 50 पॉइंट के डिस्काउंट पे, यानी माइनस, इसको हिंदी में कहते हैं उल्टा बदला, उस पे चल रहा है। तो ये 50 पॉइंट्स के डिस्काउंट पे चल रहा है। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ये 19,960 हो गया स्पॉट में, और दिस इज़ योर बैंक निफ्टी फ्यूचर। फ्यूचर कहाँ गया बैंक निफ्टी का, ये है, ठीक है, 19,857, यानी 60 मान लें, 100 पॉइंट के डिस्काउंट पे आपका बैंक निफ्टी फ्यूचर चल रहा है। अब जब भी फ्यूचर, फ्यूचर देखिए दो तरीके से फ्यूचर होता है, एक तो स्पॉट के बराबर में चलता है, एक होता है जब फ्यूचर स्पॉट से ऊपर चलता है, इसको हम कहते हैं कि ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और दूसरा होता है जब फ्यूचर स्पॉट से नीचे चल रहा है, इसको हम कहते हैं कि डिस्काउंट पे चल रहा है। तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के जो फ्यूचर्स हैं वो डिस्काउंट पे चल रहे हैं। इसका एक से बहुत से कारण होते हैं, कभी रिजल्ट्स आने वाले होते हैं कंपनीज के, डिविडेंड्स आने वाले होते हैं, कभी लॉन्ग बिल्डिंग होती है, शॉर्ट बिल्डिंग होती है बाजार में। एक जो प्रमुख कारण मुझे लगता है वो ये है कि स्पेशली अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बाजार में इतनी ज़्यादा सेलिंग है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि व्यक्ति हर लेवल पे, हर रैली पे इसको शॉर्ट करना चाहता है, और इस वजह से फ्यूचर डिस्काउंट पे चल रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, 3-4 दिन और ट्रेडिंग के होंगे, आप नोटिस करिएगा, वापस हम आपको बुधवार की, वेडनेसडे की वीडियो में बताएंगे कि ये जो स्पॉट और फ्यूचर ऑलमोस्ट एक हो जाता है जब ये पैरिटी आ जाती है, इक्वालिटी आ जाती है। तो फिलहाल इसलिए डिस्काउंट पे चल रहा है। मुझे जो लगता है कि बाजार में शॉर्ट बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का डिस्काउंट है, मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा बेचा हुआ है। इसका ये भी कारण था क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने जो ऑल टाइम लोज है उसको रीटेस्ट कर चुकी थी, करने वाली थी, मीन 16,116 का ये फिगर याद होगा आपको, हमने इस वीडियो में भी बात की थी। और बैंक निफ्टी 17,100, मतलब लगभग 1,000 पॉइंट पहले से ही पलट गई, और यहाँ से दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ दिस रैली। पहली वार्निंग थी बियर्स को कि निकल जाओ, फिर यहाँ पे बाजार रुक गई। अगर आपको याद होगी ये कैंडल जो थी फर्स्ट छोटी कैंडल, ये हमारी एक्सपायरी वाली कैंडल थी थर्सडे की, 28 मई की। उस दिन बाजार ने एक दायरे में काम किया, लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस को रोल ओवर कर लिया। उनने सोचा होगा कि ठीक है 100 पॉइंट डिस्काउंट में ही तो मिल रहा है, रोल ओवर कर लेते, 100 पॉइंट का घाटा तो कभी भी कवर हो जाएगा जब गिरना शुरू होगी। अगले दिन फ्राइडे को भी इसने इस दिन रेंज में रखा, लेकिन देखिए ना लोस टूटे ना हाईस टूटे हैं, और लोस के पास रीटेस्टिंग होके बाजार वापस आया। ये भी बुलिश कैंडल थी, और इसी का कारण था कि ये जैसे ही लॉकडाउन ओपन होने की न्यूज़ आई, मार्केट में गैप अप आ गया। कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक चेंज नहीं आया है बाजार में। आपने देखा होगा आज बीच में एक नेगेटिव न्यूज़ भी आई जब प्रॉफिट बुकिंग आई कि इंडिया में केसेस बहुत बढ़ गए, टॉप 10 कंट्रीज में आ गई, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। तो उसके बावजूद भी बाजार में तेजी आ रही है क्योंकि एक एक तरीके से बाजार ने एक्सेप्ट कर लिया है इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को, कि हाँ भाई ठीक है, अब सभी लोग सरवाइव कर रहे हैं, हम भी इस प्रॉब्लम के साथ सरवाइव कर लेंगे। 1-2 महीने, 3 महीने में वैक्सीन आ जाएगी, इंजेक्शंस आ जाएंगे, लगेगा, लोग ठीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कारोबार हो रहा है, चीज़ें हो रही है, लोगों को एक ऑप्टिमिज्म लगता है, और यही कारण है कि थोड़ा सा भी कुछ अच्छा होता है तो लोग उसमें वापस ऑप्टिमिस्टिक वे में बाहर आते हैं। तो एक इसका ये कारण था। अगर हम यहीं पे बैंक, सॉरी, निफ्टी स्पॉट का चार्ट देखें, देखिए निफ्टी स्पॉट में भी 9900 की पियर्सिंग हुई है, इसके बाद ये गिरी है। अब
जहाँ तक लेवल्स की बात है, इस हफ्ते के लिए जो निफ्टी ने खुद ने अपना एक जोन बनाया है, कभी भी किसी प्राइस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऐसे ही चार्ट देखना आता है, अभी इस हफ्ते के लिए ये जो जून का पहला हफ्ता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून है, इसका दायरा जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है लो। अगर हम इस कैंडल का देखें तो 9376 था और इस कैंडल का 9336, यानी 9330 से लेकर, आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली गाइस, ये जो है 9380, यानी ये 50 पॉइंट का बाजार ने खुद ने एक जोन क्रिएट किया है। अब ये जो 9330 से 9380 का जोन है, इस जोन को होल्ड करते हुए बाजार हमारी ऊपर जा रही है। अगर बैंक निफ्टी में हम देखें तो उस दिन का आप लो देखिए, ये लो लगाया था बैंक निफ्टी ने, ये लो था 18,700, और इस दिन का जो लो लगाया था इट इज 18,820, यानी कि 18,700 से लेकर, दिस इज 7 और इस दिन का था 820, तो ये हो गया 18,850। इस जोन में बाजार ने सपोर्ट लिया है, और आज भी हम देखें 20,000, यानी कि 19,850, यानी ऑलमोस्ट 1,000 से 1,200-1,100 पॉइंट ही बाजार अभी यहाँ से चला है। तो अभी जो हमारा फोकस है YTG स्टूडेंट्स का, ट्रेडर्स का, हमारा फोकस निफ्टी से शिफ्ट होके थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आया है, पर्टिकुलरली इस जून के पहले हफ्ते के लिए, क्योंकि इशू ये है कि निफ्टी से ज़्यादा शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में फंसे हुए हैं। आप देखिए चार्ट्स को, देखिए मेरी बात मत मानिए, चार्ट को पढ़ना सीखिए, और चार्ट को पढ़ना सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है, तो ये इतना सस्ता कोर्स है, बैंक है आप, ठीक है, तो आप इसके लिए है ना ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए अगर आपको सीखना है। तो चार्ट ये बोलता है कि एक बैंक निफ्टी में ये यू टर्न आया है, देखिए एक रेड कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। अब बताइए कहाँ है नेगेटिविटी? जितनी बड़ी आपकी गिरावट थी उससे बड़ी हमारी ग्रीन कलर की कैंडल, अब कहाँ गिरावट है, कहाँ नेगेटिविटी बची? आप तीन कैंडल में नीचे गिरे गैप डाउन के साथ, हम तीन कैंडल में वापस वहीं पहुँच गए गैप अप के साथ, हिसाब किताब बराबर। आप हो सकता है यहाँ से गैप डाउन गिरे, हम भी यहाँ से गैप अप पहुँच जाएं, हिसाब बराबर। तो बाजार हर एक चीज़ को प्राइज इन करेगी, कोई भी हिसाब छोड़ेगी नहीं, वो ये समझना पड़ेगा। अब जो हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में फंसे हुए निफ्टी से, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये जो जोन है जहाँ से हम गिरना शुरू हुए थे, 22,000 के ऑलमोस्ट टच किया था, एग्जैक्टली भी टच नहीं कर पाई थी उस समय, तो ये जोन में हमने एक बार वापस जाना चाहिए 22,000 से लेके 21,500, यानी अभी हम देखें 20,000 से तो 1,500 पॉइंट की दूरी और है, यहाँ से तक हमें जाना चाहिए। और हो सकता हम इस बार 22,000 को भी पियर्स कर दें, 22,000 को भी तोड़ के आगे निकल जाएं। अब आप में से जो भी लोग थोड़ा टेक्निकल नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि अगर हम रिट्रेसमेंट एक ड्रॉ करते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ से भी, तो इसका जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 24,000, 23,800। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से इस लेवल को, 22,000 के लेवल को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, तो उसका अगला स्टेशन, अगला स्टॉपेज जहाँ ये ट्रेन जाके रुकेगी वो होगा 23,890, 23,890 टू 24,000 जोन्स, इस जोन में जाके ये ट्रेन रुकेगी, उसके पहले सर कोई स्टेशन नहीं है। और मज़ा तो तब आएगा जिस तरीके से ये कैंडल्स बनी है ना, ऐसे ही यहाँ पे कैंडल्स बन के जाना चाहिए, पूरी सजावट के साथ डोली जानी चाहिए, तब मज़ा आएगा बैंक निफ्टी में। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी जो है लॉन्ग टर्म में बुलिश हो गई, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग है, इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये नहीं है कि इसमें लॉन्ग टर्म तेजी आ गई, लेकिन जितनी शॉर्ट कवरिंग हुई है उसके प्रोपोर्शन में शॉर्ट कवरिंग आएगी, और उस प्रोपोर्शन में 22,000 से 24,000 तक की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तब तक भी वो शॉर्ट कवरिंग रहेगी, वो कोई तेजी नहीं कहलाएगी।
ठीक है, तो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इनफ थिंग्स इनटू दिस वीडियो, और निफ्टी के लिए भी आपको बता ही दिया है कि निफ्टी, अच्छा निफ्टी के लेवल्स हमने डिस्कस नहीं किए हैं, निफ्टी का ये जो लेवल था, अब ये गैप इमीडिएटली नहीं भरना चाहिए, क्योंकि अगर इमीडिएट गैप फिलिंग होती है तो वो फिर एक डाउट क्रिएट कर देता है बाजार में। अगर इसको गैप फिल ही करना था तो क्या इतना ऊपर वो फंसाने के लिए गया बायर्स को? इसलिए गैप फिलिंग भले हो लेकिन इमीडिएट ना हो, तो कहेंगे कि हाँ बाजार में स्ट्रेंथ है। तो हो सकता है कि बाजार यहाँ पे एक आध दिन रुक जाए, हो सकता है मंगलवार है, कल ट्यूसडे है, कल एक दिन और इस दायरे में रह जाए, जो पैटर्न यहाँ बनाया था वही पैटर्न बाजार कल यहाँ भी बनाए, और उसके बाद जब वो फ्यूलिंग हो जाएगी, जब वो पूरा यू नो फ्यूल पेट्रोल भर जाएगा गाड़ी में, फिर यहाँ से गाड़ी सेकेंड गियर में ऊपर जाएगी और 10,200-300 के लेवल्स पे हम पहुँच जाएंगे। तो मैक्सिमम व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ ए कंसोलिडेशन अराउंड 9,700, अगर सब कुछ सही रहता है। अगर हम ये गैप फिलिंग करने नीचे आते हैं तो फिर वो चार्म जो है वो चला जाएगा और हमें अपने एनालिसिस को रिव्यू करना होगा। ओवरऑल अगर एक आप लंबे समय का दायरा लेके चलते हैं तो निफ्टी में 9,400 से लेके वो जो हमने जोन डिस्कस किया 9,330 और 9,380, वही एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म सपोर्ट फिलहाल इसमें नहीं है, एक मोमेंटम बाइंग है, मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग है, और उसको मोमेंटम को कैसे प्ले आउट करना है उसी अंदाज में प्ले आउट करना पड़ेगा, तभी इस मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसके लिए आपको हमारी ट्रेनिंग्स ज्वाइन करनी पड़ेगी। जहाँ तक इस वीडियो की बात है, हमने लेवल्स डिस्कस की, हमने अपनी बायसनेस आपके साथ डिस्कस की। इन केस अगर कभी खुदा ना खास्ता ये 18,700 के नीचे बैंक निफ्टी आ जाती है तो फिर से ये बाइंग का चाम चला जाएगा और हमें अपना एनालिसिस रिव्यू करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 9,400 के भी नीचे आ गई तो वो फिर से एनालिसिस करनी पड़ेगी। तब तक के लिए ये व्यू इंटैक्ट है। आप सभी चिर परिचित हैं इन लेवल्स से, इसलिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली अगर हम ब्रेकआउट बाइंग देखें तो वो आएगी अबव 9,900। आज भी 99, आज भी देखिए आप, निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल था हमारा 9,912 का, आज ये 9,931 के ऊपर गई और वहीं से फॉल्स हो गया। यानी अब अगर बाजार इस हाई के ऊ को तोड़ता है और यहाँ से निकलता है तो इसका जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो 10,200 है, और ये आपको स्मूथ पैसा मिलेगा। ये पैसा है आपका सर 300 पॉइंट का, छोटा मोटा नहीं है। तो अभी जो इस हफ्ते के लिए लेवल टू वॉच बच गया है वो आपको एक बच गया है कि रिवर्सल बाइंग 9,400, तो थोड़ा मुश्किल है अभी कल परसों में, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट बाइंग देती है नाइन इस बार इस हाई को तोड़ती है तो हम 10,200 तक निफ्टी को देख सकते हैं। निफ्टी बैंक में ब्रेकआउट बाइंग जो आएगी वो आएगी अबव 20,476। आज का हाई 225 का था, मतलब फिर वही कहानी है, इसके ऊपर अगर जाती है तो ब्रेकआउट बाइंग के केस में हम बैंक निफ्टी में 21,687 यानी 21,700 अप्रॉक्सीमेटली, यानी हम इसी हाइज के आसपास वापस पहुंच जाएंगे। इसको तोड़ती है तो फिर ये रास्ता इसके लिए साफ हो जाएगा। वैसे भी इस रास्ते में गैप ही था, तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि गैप के साथ ये रास्ता पार करती है, चल के पार करती है, दौड़ के पार करती है, या उड़ के करती है। गैप के साथ होगी तो शायद उड़ के करेगी, मोमेंटम में इंट्राडे में करती है तो दौड़ के करेगी, या धीरे धीरे स्क्रोलिंग करती है तो चलते चलते पार करे। लेकिन अगर इन 19,500-19,600 जोन्स को होल्ड करता है तो ये लेवल्स बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं हमें। तो गाइस एक बार फिर से आप में से जो भी लोग हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं, आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, और हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। आप सभी ने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स को थोड़े दिन के लिए ओपन कर दिया है। प्लीज़ कमेंट केयरफुली, और थैंक यू सो मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, विशिंग यू ऑल अबंडेंस ऑफ सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर।